सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठक व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं यार मेहंदीपुर बालाजी। तो मैं जा रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ। 24 नवंबर को अभी मंदिर खुला है, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बट मैंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मतलब किसी ने बोला था मेरे को कि यार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, अगर आपको मंदिर में दर्शन करने हैं तो रजिस्ट्रेशन करा के जाना। बट मैंने ऑनलाइन चेक किया उनकी वेबसाइट पे और बात करी, मतलब मंदिर के किसी सेवक ने फोन उठाया, उन्होंने बोला कि नॉर्मल दर्शन हो रहे हैं जैसे होते हैं। अगर आपको वहाँ पे अर्जी देनी है तो अर्जी जो होती है उसके बारे में जल्दी बताऊंगा, तो उसके लिए अलग से चार्जेज होते हैं, उसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है। बट अगर आपको नॉर्मल दर्शन करने हैं मंदिर में जाके भगवान के, तो आप सीधे जा सकते हो। तो और बहुत सारी चीजें हैं बालाजी मंदिर के बारे में जो शायद बहुत कम लोगों को पता होंगी, तो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। अभी आज सुबह हो चुकी है, अभी पहला काम ये है कि यार मनोकामना मांगी हुई थी कुछ पेरेंट्स ने, तो प्रसाद चढ़ाना था सवा मनी लड्डू का। तो अभी पहले मैं सवा मनी लड्डू लेने जा रहा हूँ शॉप से, यहाँ पे पलवल में खुराना शॉप है, वहां से मैं लड्डू लेने जा रहा हूँ। आटे के लड्डू हमने बनवाए। तो गाइस सबसे पहला काम है वो लड्डू लेना शॉप से, उसके बाद हम निकलेंगे मेहंदीपुर बालाजी के लिए। आई होप कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूँ और आपके ये काम आए अगर आप कभी भी मेहंदीपुर बालाजी जाते हो। और दूसरा, मेहंदीपुर बालाजी लोग क्यों जाते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है, वो सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम आपको रास्ते में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को, स्टे ट्यून। तो भाई प्रसाद तो हमने ले लिया है, अभी मैंने रखवा लिया है खुराना अंकल से। अभी मेरे को जाके यार फैमिली को पिक करना है, फिर जाना है हमें गुड़गांव। एक्चुअली मेरी सिस्टर भी हमारे साथ जा रही है, तो वो गुड़गांव रहते हैं, तो आपको गुड़गांव से भी रूट पता लगेगा कि आप गुड़गांव से अगर आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है तो क्या रूट पकड़ना है, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो अभी पहले फैमिली को पिक करते हैं घर से और फिर उसके बाद निकलते हैं, गुड़गांव से दी को पिक करना है। तो हंसते खेलते रुकते रुकाते आपको बताते रहेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, और आपको भी मजा आएगा, पूरा आपको बालाजी मंदिर घुमाऊंगा मैं, दर्शन कराऊंगा। क्यों लोग ट्वेल्थ। फाइनली हम गुड़गांव पहुंच चुके हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं दीदी का आने का। और देखो शिवी भी मेरे साथ है आज, शिवी भी आज जा रही है घूमने के लिए। तो वैसे यार जल्दी से दीदी आ जाए, फिर उसके बाद निकलते हैं यार मेहंदीपुर बालाजी की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए यार। एक्चुअली हमें निकलना था 12 बजे पलवल से, बट अब हमें गुड़गांव आना था दीदी को पिक करने के लिए, तो अब 2 बज चुके हैं यहाँ पर और अब इससे आगे 4 घंटे और लगने वाले हैं। तो देखते हैं यार कितने बजे तक पहुँचते हैं। देखो चलो, शिवी की बुआ भी आ चुकी है भाई। नहीं आ इतनी लेट कैसे हो गए आप? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आ जाओ भैया। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी और हमने एक आश्रम लिया है, उसमें हमने चेक इन कर लिया है। ये एक ट्रस्ट का आश्रम है और अच्छा है। अभी सबसे पहले काम क्या है कि यार जाके पहले दर्शन करके आने, क्योंकि अगर आप नाइट में आते हो तो नाइट में दर्शन करो, क्योंकि आपको सुबह मॉर्निंग में बहुत भीड़ मिलती है, बट अगर आप नाइट में दर्शन करते हो तो आप इजिली कई बार दर्शन कर सकते हो।
तो बेटर है कि आप नाइट में ही आओ और नाइट में दर्शन करो। सुबह की आरती के लिए आप दोबारा जा सकते हो मंदिर, बट आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से भी आरती ले सकते हो। अभी 7:30 बज चुके हैं, 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हो मंदिर में। तो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, और मैंने कौन सा रूट पकड़ा, कितना टाइम मेरे को लगा, वो सारी चीज़ें जल्दी आपको मैं बताऊंगा। बट पहले जल्दी से फ्रेश होकर निकलते हैं और एक बार दर्शन करते हैं मंदिर जाके, और फिर आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। स्टे ट्यून। शिव, कहाँ जा रहे हैं हम? टे। चलो दर्शन हो गए भगवान के? यस, बोलो यस, हो गए। इधर बोलो ना, इधर दर्शन हो गए भगवान के? हाँ। पता ही नहीं है, कभी पता ही नहीं है। सो गाइस, अभी हमने जो दर्शन किए ना वो नाइट में किए हैं, और अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इवन मोबाइल से कैप्चरिंग करना भी अलाउड नहीं है, तो अंदर की मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। थोड़ी बहुत फुटेज आई होगी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम एक भोजनालय में रुके हैं खाना खाने के लिए, और मैं इसका खाना खाने के बाद आपको फीडबैक भी दूंगा कि यहाँ का खाना कैसा है। अगर आप कभी भी मेहंदीपुर बालाजी आते हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और ये देखो निया आ रही है फुटेज के अंदर। हम के पास हाय बोलो। यस, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब अपना चैनल। ये मंगाई हमने दाल तड़का। निया को भी दाल अच्छी लगी है, मिर्ची है थोड़ी सी ना। और मेरे दाल के साथ साथ रोटी भी सही लग रही है, मतलब तवा रोटी अवेलेबल है यहाँ पे, बस तंदूर रोटी नहीं है, बट क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। एक ही साइज है ग्लास? हाँ, एक ही साइज है। कर दो कितने? तीन तो कर दो पहले। अभी ऐसा लगता है कैमरा अलग से, ऐसा लगता है जैसे कोई लल्ला लल्ली हो, यही ना एकदम ऐसा लगता है। नहीं यार, ये माइक है, मैं समझ गया, बस मतलब थोड़ा थोड़ा आप समझ में बैठिए, पर अलग अटके लगता है मेरे कहने का मतलब। ये व्लॉगिंग के लिए ना कैमरा, थोड़ा सा यूट्यूब पे चैनल है उसके लिए। ये दूध हमारा जाएगा यूट्यूब? हाँ हाँ। हम यहाँ पे रुके हैं, श्री राम आश्रम है। अरे यार, ये ट्रस्ट का होटल है एक्चुअली, तो अभी मैं आपको अंदर ले जाके भी दिखाता हूँ इसका इंटीरियर, और रूम्स भी मैं दिखाऊंगा आपको। साफ़ सफाई अच्छे से हो रखी है, तो अंदर चलते हैं फिर।
वापस आ चुके हैं दर्शन करके। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, थोड़ी सी फुटेज मैंने ली है फ़ोन से, वो मैंने डाल दी इस वीडियो में। तो हमें अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अगर आप नाइट में कभी भी आते हो तो ईजिली आपको दर्शन हो जाएंगे, बट अगर आप डे टाइम में आओगे ना तो यहाँ पर बहुत लंबी भीड़ होती है, वो मैं मॉर्निंग में आपको दिखाऊँगा। यार एक दो घंटे आपको नॉर्मली लग जाते हैं अगर आप सुबह की आरती लेने जाते हो और दर्शन सुबह करते हो मॉर्निंग में। तो एक सजेशन है कि आप अगर कभी भी यहाँ आ रहे हो ना, दर्शन नाइट में करो और मॉर्निंग में दोबारा आप मंदिर देखने के लिए जा सकते हो। दूसरा यार, हम लोग यहाँ पर आए थे सवामणि का प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब हुआ क्या, यहाँ पर प्रसाद अलाउड नहीं है कोरोना के बाद। हाँ एक ऑप्शन है, हमने तो ऑलरेडी अपना प्रसाद हम लेके आए थे, अगर आपको सवामणि आपने बोला हुआ है या कोई भी अरदास आपको देनी है, यहाँ पर आके आप उसके पैसे मंदिर को दान कर सकते हो। पैसे लगते हैं सवामणि में, उतने पैसे आप मंदिर को दान कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको मॉर्निंग में दिखाने वाला हूँ मंदिर का, मंदिर पे लोग कैसे अपनी अर्जी देते हैं, क्या अरदास लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेंगी। तो फिर चलो गुड नाइट बोलते हैं यार, कल मिलते हैं, और जुड़े रहना इस व्लॉग के साथ क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भूत प्रेतों का इलाज होता है, उनकी क्लास लगती है, वो आपको मैं मॉर्निंग में दिखाऊँगा। डरना मना है क्योंकि ये बाबा का दरबार है। तो जुड़े रहना, मिलते हैं आपको सुबह, स्टे ट्यून्ड। हरि ओम नभ्याजिद्रजिद्नोदो ओजम। जिस आश्रम में हम अभी स्टे कर रहे हैं ना, उसी के अंदर ये मंदिर था जो मैंने अभी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया है। तो बड़ा सुंदर मंदिर है, आप अगर कभी भी श्री राम आश्रम आते हो तो ये मंदिर भी जरूर देखना, बहुत सुंदर मंदिर है। मतलब आश्रम के जस्ट बीच में ये मंदिर पड़ता है, तो यहाँ भी प्रसाद चढ़ाया है। और बस इसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं यार। तो गाइस अभी मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं, देखता हूँ अंदर थोड़ा बहुत अगर आपको दिखा पाया तो। भीड़ बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर अभी के टाइम में आप आ रहे हो ना, ईजिली आपको दर्शन हो जाएंगे। बट नॉर्मल डेज में यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, सारी जितनी भी रोज जिससे हमें क्रॉस करके आ रहे हैं ना, इस सब में मतलब इतनी भीड़ होती है कि एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दो तीन घंटे लगते हैं आपको एंटर करने में। बट आज की डेट में भीड़ बहुत कम है।
चलो 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 दे दो हो गया वापस घर जाने का टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मंदिर कैसा लगा। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए और पाठक व्लॉग्स को देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड।